हेलो एवरीवन वेलकम टू निकिता जैन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास नाइन पोएम नंबर फाइव दैट इज नो मेन आर फॉरेन नो मेन आर फॉरेन ओके सो इस पोएम में बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है इस पोएम में हमसे बात करी गई है कि जो लोग हैं वो अलग नहीं है वो क्या हैं बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं हर एक इंसान जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब क्या है बिल्कुल सेम है अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ओके रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज आर फॉरेन। तो पोएट जो है वो क्या कहता है पोएट हमें ये कहता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है लोगों के बीच में चाहे वो किसी भी कंट्री में रहे चाहे भले ही वो फॉरेन कंट्री में रहे बट उनमें और हमारे अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है That means, सब जो है वो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अगल बॉडी ब्रीथ देखो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि अलग अलग सबने सेम यूनिफॉर्म पहन रखी है चाहे सब अलग यूनिफॉर्म पहने बट सबके पास कॉमन चीज क्या है सेम बॉडी एवरी वन हैज टू हैंड्स टू आईज वन नोज टू लेग्स हर एक इंसान के पास ये चीज सेम है चाहे कोई भी इंसान हो चाहे इंडिया में रहे चाहे आउट ऑफ कंट्री रहे यहाँ पे हर एक पर्सन यूनिफॉर्म के अंदर बिल्कुल सेम है जैसे कि लाइक आर लैंडस लाइक आर द लैंड्स आर ब्रदर वॉक अपॉन जैसे कि हमारे लैंड बिल्कुल सेम है जिसपे हम सब एक साथ मिलकर चलते हैं इस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेर लाइक और यही अर्थ है जिस पे हम सब एक साथ रहते हैं सबको पता है कि सूरज कब उगता है हवा कैसे चलती है कहीं पे भी कुछ भी हो सब इक्वल है हर एक जना क्या है आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ उनके पास भी शांति होती है सबको खाना मिलता है बट सबको गरीबी का या फिर भुखमरी का सामना करना पड़ता है अगर कभी भी लड़ाई होती है तो देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन वी रीड जैसे उनके हाथ हैं वैसे ही हमारे हाथ हैं, जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं वो वही जॉब काम वो वही जॉब या वही काम करते हैं जैसे कि हम करते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह बने हैं बिल्कुल हमारे जैसे सेम है लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन ऐसे नहीं है कि वो हमसे अलग हैं या हमसे कुछ डिफरेंट है वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं बिल्कुल सेम हैं सबके हाथ सब चीजें बिल्कुल क्या है सेम हैं। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आर दैट वेक उनकी भी आंखें कैसी है हमारी तरह है जैसे हमारी आंखें हैं स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन हमारी ही स्लीप हमारी ही नींद हमारी ही ताकत है जिसे सब एक साथ जीतना चाहते हैं बाय लव इन एवरी लैंड इन कॉमन लाइफ हर एक जगह हर एक लैंड पे क्या है प्यारी सी जिंदगी है प्रोस्पेरिटी है जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखती है दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड और वही प्रॉस्पेरिटी वही खुशहाली हर एक इंसान समझ सकता है इन द फोर्थ पैराग्राफ पोएट क्या कहते हैं लेटेस्ट रिमेंबर एवर वी आर टोल्ड To hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose दैट betray or condemn. Remember, we who take arm against each other. वो क्या कहता है पोएट इस चीज में वो ये कहता है कि हम सबको याद रखना चाहिए जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं जब हम एक दूसरे को धोखा देते हैं जब हम एक दूसरे से जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी छीन लेते हैं जब हम अपने भाइयों को ब्रदर्स को हेट करते हैं हम लोग ये सब चीजें खत्म करते हैं और एक्चुअली में वो इंसान ही है हम ही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या उठाते हैं वेपन्स उठाते हैं हम लोग ही हैं ये सब जो काम करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए हमारे वेपन्स इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ आर ओन इसमें दी क्या कहता है ये ह्यूमन ही है ये हम ही हैं जो कि अर्थ को क्या कर रहे हैं खराब कर रहे हैं जो फायर की वजह से डस्ट की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं सारी इनोसेंट सारी स्वीट चीजों को हमारे इतने सुंदर नेचर को हम लोग खराब कर रहे हैं सारी हवा को हम लोग खराब कर रहे हैं जो कि हमारे आसपास है। Remember, no men are foreign, no countries strange. क्या कहता है कि कोई भी इंसान अलग नहीं है कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है डिफाइल डर्टी पोल्यूट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ वायलेट द प्योरिटी ऑफ पोएट क्या कहता है पोएट ये मैसेज भेजता है कि हम लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए हम एक दूसरे से बिल्कुल भी ना लड़ें आराम से अपनी चीज़ें करते रहें ताकि हमारी लाइफ में क्या आए प्रॉस्पेरिटी आए प्योरिटी आए हम उस चीज़ को ख़राब ना करें थैंक यू